दोस्तों, लगभग हर इंसान ऊपर वाले से ये दो चीज़ तो ज़रूर मांगता है अपनी ज़िंदगी में, दौलत और शोहरत, मनी एंड फेम। मनी की बात तो मैंने अपनी वीडियोज़ में कई बार की है, आज हम फेम के बारे में बात करेंगे, और वो भी किसी ऑर्डिनरी फेम के बारे में नहीं जो सिर्फ किसी क्षेत्र, राज्य या देश तक ही सीमित है। आज हम भारत के उन ऐसे 10 लोगों के बारे में बात करेंगे जो है मोस्ट फेमस इंडियंस इन दी वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी शोहरत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। आज के वक्त में उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर गजब की है। दोस्तों, इन लोगों को सोशल मीडिया के नंबर्स के हिसाब से आंकना बेवकूफ़ी होगी। इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो लोग। शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। नंबर 10 पर है सलमान खान। दोस्तों, आपको सलमान खान की फिल्में पसंद आती हो या ना हो, लेकिन सलमान इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि सलमान इतने फेमस क्यों है? अब इसका आंसर एक लाइन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंदा रातों रात इतना बड़ा स्टार नहीं बना है। इसके पीछे कई डिकेड्स का शियर हार्डवर्क है और कई सारे रीजंस है। तो 35 साल से भी ज़्यादा वक्त से सलमान खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और सलमान ने अपने नाम का झंडा बॉक्स ऑफिस पर कई बार गाड़ा है। सलमान के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई एक्टर फ्यूचर में तोड़ पाएगा। पूरे इंडियन सिनेमा में लगातार मोस्ट नंबर ऑफ मूवीज जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ प्लस है, इसलिए इन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग भी कहा जाता है। सलमान खान के फैंस की दीवानगी सलमान के लिए गजब की है, ऐसा शायद ही किसी एक्टर के लिए देखी गई होगी। सलमान के ज्यादातर फैंस जो उनके फैंस बने हैं, वो उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बने हैं, बल्कि फैंस बने हैं उनके अनमैचेबल स्वैग, उनका ऑरा और बहुत टाइट स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से। और अगर सलमान की जबरदस्त सिग्मा पर्सनालिटी भी इसमें ऐड कर दो, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं सलमान से और उन्हें अपना आइडल मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी एक्टिंग के फैन कम लोग ही है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान की एक्टिंग खराब है। उनकी कई सारी फिल्में ऐसी भी रही है जिनकी क्रिटिक्स ने जमकर तारीफ की है, जैसे मैंने प्यार किया, तेरे नाम, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और भी कई सारी है। इसके अलावा सलमान खान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, वो चाहे उनकी लव लाइफ हो, ड्रंक एंड ड्राइव केस हो या ब्लैकबक का केस हो, मीडिया की नज़र हमेशा उन पर बनी रहती थी, जिस वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में रहते थे। और इसके अलावा सलमान अपने चैरिटी वर्क के लिए भी फेमस है, जहां वो अपने कमाई का एक मोटा हिस्सा दान कर देते हैं और अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से कई लोगों की मदद करते हैं। और उनके फेमस होने का एक बड़ा रीज़न है, सलमान ने अपने पूरे करियर में अपनी बॉडी फिट एंड मेंटेन रखी है शुरू से ही, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं सलमान खान इंडिया के अलावा दूसरे देशों में कैसे फेमस है। तो भारत के अलावा सलमान का फैन बेस जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कई सारी गल्फ कंट्रीज में ज़बरदस्त है ही। इन कंट्रीज़ के अलावा दूसरी भी कई सारी कंट्रीज़ में सलमान की फिल्में रिलीज होती है, और सलमान देश के बाहर आउटडोर शोज भी करते हैं। इसके अलावा इनका कलर्स चैनल पर जो शो आता है बिग बॉस, इसे भारत के अलावा दूसरी कई सारी कंट्रीज में भी टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नंबर 9 पर है महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी। भारत में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये नाम नहीं जानता होगा। दुनिया भर में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी क्रिकेट जगत के बहुत ही पॉपुलर और आइकॉनिक फिगर है। इनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। एक छोटे शहर के क्रिकेटर होने से लेकर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम तक का सफर आसान नहीं था। बहुत मुश्किल और परेशानियों का सामना करके धोनी इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचे। फिर टीम इंडिया का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया ये दुनिया जानती है। MS धोनी एक बेहतरीन बैट्समैन, विकेट कीपर और फिनिशर तो है ही, नो डाउट, लेकिन वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है एक चीज़ के लिए, और वो है क्रिकेट फील्ड पर उनकी एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और टैक्टिकल ब्रिलियंस। ये क्वालिटीज़ धोनी को सबसे अलग बनाती है, और इस चीज़ का डर ओपोनेंट टीम्स में हमेशा हुआ करता था, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, टाइट रनचेज हो, टेंस फाइनल ओवर हो या फिर कोई क्रूशियल डिसीजन लेना हो। ऐसे हालातों को धोनी ने कई बार कूलनेस एंड कामनेस से टैकल किया है। धोनी की कैप्टेंसी के अंडर भारत ने कई बार जीत दर्ज की है, जिसमें काफ़ी बड़े हिस्टोरिक विक्ट्रीज भी है, जैसे 2007 का वर्ल्ड कप 2020 और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट के अलावा धोनी फिलेंथ्रोफिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं अपने MS धोनी चैरिटेबल फाउंडेशन के थ्रू, जहां वो पुअर बैकग्राउंड के यंग एथलीट्स को अपलिफ्ट करते हैं।
अब बात करते हैं एमएस धोनी इंडिया के अलावा दूसरे देशों में कितने फेमस है। अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में तो धोनी के भर भर के फैंस हैं। इन देशों के अलावा बाकी के जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और भी काफी सारे देश है, वहाँ भी धोनी की फैन फॉलोइंग गजब की है। इसलिए एमएस धोनी एक ग्लोबल क्रिकेटिंग आइकन है। नंबर 8 पर है एआर रहमान, जिनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। एआर रहमान एक म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। एआर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। इंडियन सिनेमा के म्यूजिक में एआर रहमान का बहुत बड़ा योगदान है। रहमान ने कई सारी जगह अपना म्यूजिक दिया है, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बाकी की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज। एआर रहमान के दो सॉन्ग्स ग्लोबली बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक तो जय हो स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी का सॉन्ग है, दूसरा माँ तुझे सलाम। एआर रहमान किस कैलिबर के कलाकार है ये बात उनके अचीवमेंट से पता चलती है। इतना आज तक कभी किसी भारतीय म्यूजिशियन ने अचीव नहीं किया है। तो चलिए नजर डालते हैं उनके अनपैरेलल अचीवमेंट्स पर। तो एआर रहमान के नाम है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ। इसे देखते हुए 2010 में भारत सरकार ने रहमान को पद्म भूषण से नवाजा। इसके अलावा 2006 में रहमान को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया था ग्लोबल म्यूजिक में अपने अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। 2009 में टाइम मैगजीन ने रहमान को वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में रखा था। फिर 2014 में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बोस्टन ने इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। ये सब के अलावा रहमान फिलंथ्रॉफी वर्क भी करते हैं। 2004 में इन्हें WHO के एक बड़े प्रोजेक्ट स्टॉप टीबी मूवमेंट में ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था। रहमान चैरिटी भी करते हैं लेकिन इनकी चैरिटी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और इस बारे में वो बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ग्लोबली इतना फेमस होने के बावजूद भी रहमान को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है, ये काफ़ी पर्सनल इंसान है। तो अब बात करते हैं आखिर रहमान इतने फेमस क्यों है। तो मेजर पॉइंट तो यही है, इनका एक्सेप्शनल म्यूजिक टैलेंट और इनके म्यूजिक की टाइमलेस क्वालिटी। एआर रहमान का म्यूजिक काफी ज्यादा यूनिवर्सल होता है, सोल को हील करने वाला, जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोगों को कनेक्ट करता है। इसके अलावा एआर रहमान दुनिया भर में अपने म्यूजिक कंसर्ट्स करते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़ते हैं। नंबर 7 पर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अभी हाल फिलहाल में एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन से की थी। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड की विनर रह चुकी है। फिर उसके बाद प्रियंका ने डेब्यू किया मूवी में एज ए एक्ट्रेस तमिल फिल्म थामिजान से। इस मूवी के बाद प्रियंका की एंट्री हुई बॉलीवुड मूवीज में द हीरो फिल्म से। फिर इसके बाद प्रियंका ने कभी मुड़कर नहीं देखा। प्रियंका की लगातार बॉलीवुड में फिल्में आती गई, ऐसा 2015 तक चलता रहा। फिर प्रियंका को मिला हॉलीवुड में ब्रेक ABC की थ्रिलर सीरीज क्वांटिको में मेन रोल। इस ब्रेक ने वर्ल्ड वाइड हेडलाइन बना दी क्योंकि प्रियंका पहली ऐसी साउथ एशियन बनी जो अमेरिकन नेटवर्क ड्रामा सीरीज में फीचर हुई। ये वेब सीरीज 2015 से 2018 तक चली जिससे प्रियंका दुनिया भर में फेमस हुई। इसके बाद प्रियंका ने कई अलग अलग हॉलीवुड मूवीज में काम किया जैसे बेवॉच, अ किड लाइक जेक, इजंट इट रोमांटिक, वी कैन बी हीरोज, द मैट्रिक्स रिसरक्शंस, लॉ अगेन और अभी हाल फिलहाल में इनकी टेलीविजन सीरीज आई है सिटाडेल जिसमें प्रियंका मेन रोल में है। ये सब के अलावा प्रियंका के नाम 2 नेशनल अवार्ड्स और 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स है। भारत सरकार ने 2016 में प्रियंका को पद्मश्री से सम्मानित किया है और उसी वक्त टाइम मैगजीन ने प्रियंका का नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड में फीचर किया था। फिर उसके बाद अगले 2 सालों तक कंटिन्यू फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में प्रियंका का नाम फीचर किया और फिर 2022 में BBC 100 वुमन लिस्ट में भी प्रियंका का नाम आया। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की बात की जाए तो विराट कोहली के बाद प्रियंका चोपड़ा ही सेकेंड मोस्ट फॉलोड इंडियन वुमन है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रियंका चोपड़ा कितनी फेमस होगी। प्रियंका के फेमस होने की वजह उनका एक्टिंग टैलेंट, ब्यूटी और करिश्मा तो है ही, साथ ही उनका विट और उनकी हाजिर जवाबी भी गजब की है।
नंबर 6 पर है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर कई सालों पहले क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी करोड़ों अरबों क्रिकेट लवर्स के दिलों में आज भी राज करते हैं। सचिन ने 1989 में अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच डेब्यू किया था कराची में पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी 16 साल की उम्र में। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के अब तक के सबसे महान बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने ऐसी लेगेसी बना दी है जिसे टेक ओवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। सचिन एक ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन मारे हैं और ओडीआई क्रिकेट में 18,426 रन मारे हैं। इसके अलावा सचिन के नाम एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड। विजडेन जो क्रिकेटर्स का अल्मनैक है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के आधे करियर में ही 2002 में उन्हें सेकेंड ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कहा था डॉन ब्रैडमैन के बाद, और सेकेंड ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कहा था विव रिचर्ड्स के बाद। सचिन तेंदुलकर ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। उसे देखते हुए तब की भारत सरकार ने उन्हें कई ऊंचे पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे 1994 में अर्जुना अवार्ड, 1997 में खेल रत्न अवार्ड, 1998 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण, और अंत में उनके संन्यास लेने के बाद 2013 में भारत सरकार ने निर्णय लिया उन्हें इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित करने का। इस तरह सचिन भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिन्हें भारत रत्न मिला हो, और इसी के साथ भारत के पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बने जिन्हें ये अवार्ड मिला हो। और एक बात बता दूं, इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न मिला है। अब बात करते हैं सचिन दुनिया भर में इतने फेमस क्यों है, इसके कई अलग अलग रीजंस हैं। एक तो उनका एक्सेप्शनल क्रिकेटिंग टैलेंट, उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स, अनवेवरिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, गजब की स्पोर्ट्समैनशिप, यूनिवर्सल अपील और उनकी जबरदस्त इंस्पिरेशनल लेगेसी जिसे आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। इसके अलावा सचिन ने कभी किसी के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाई, ना कभी किसी के सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाई है और ना ही कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है, इसी वजह से उनका कोई हेटर भी नहीं है। अब इस लिस्ट के नंबर 5 पर है आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। आमिर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1988 में एज ए लीड रोल फिल्म कयामत से कयामत तक से की थी जो सुपरहिट रही थी। इसके बाद आमिर ने कई सारी गजब की फिल्में दी जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई। आमिर के नाम कई सारी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जैसे गजनी, थ्री इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल। इस वक्त आमिर को फिल्म इंडस्ट्री में 35 साल से ज्यादा हो गए हैं और इतने लंबे अरसे तक टिके रहना, यंगस्टर्स के साथ कम्पीट करते हुए ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर फिल्में देना, ये काम कोई नॉर्मल कलाकार नहीं कर सकता है। आमिर की फिल्मों का इतना ताबड़तोड़ कमाई करने का रीजन है उनका फैन बेस। आमिर का फैन बेस भारत में तो जबरदस्त है ही, इसके अलावा चाइना, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के कई देशों में आमिर की फैन फॉलोइंग गजब की है। भारत में आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं, आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म आमिर खान के नाम ही है दंगल, जो इतनी बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है जिसने ओवरऑल कलेक्शन 2000 करोड़ का किया था। ये फिल्म 2016 में आई थी और अब तक इसका किसी भी फिल्म ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। ये रिकॉर्ड आसानी से टूटेगा भी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा पैसा सिर्फ इंडिया से नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें चाइना के बॉक्स ऑफिस का योगदान मिल जाए तो ये नंबर आसानी से अचीव हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी मूवीज चाइना में रिलीज हुई तो है, जैसे प्रभास की बाहुबली 2, सलमान की सुल्तान, अक्षय की पैडमैन, ऋतिक की काबिल, लेकिन कभी किसी ने आज तक चाइना में 100 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया है। जिधर बाहुबली 2 जैसी फिल्म ने भी सिर्फ 80 करोड़ ही कमाए थे चाइना में, वही अगर आमिर खान की बात करें तो इनकी मूवीज चाइना में ताबड़तोड़ कमाई करती है, इवन इंडिया से भी ज्यादा। 2009 में आई थ्री इडियट मूवी से आमिर खान का फैन बेस चाइना में बना। आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडिया में 150 करोड़ का कलेक्शन किया और चाइना में 850 करोड़ का। और दंगल की बात करें तो इंडिया प्लस ओवरसीज मिलाकर कलेक्शन हुआ 600 करोड़ का और सिर्फ चाइना में हुआ था 1400 करोड़ का। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आमिर खान चाइना में कितने फेमस है। दुनिया के दो सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाले देश इंडिया और चाइना, ये दोनों देशों की आबादी लगभग 300 करोड़ है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, नेपाल, गल्फ कंट्रीज और वो कंट्रीज जहाँ बॉलीवुड की मूवीज देखी जाती है,
इन्हें भी ऐड कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। आमिर के करियर में उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स है और 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स है। आमिर को ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ सिनेमा अवार्ड्स भी मिला है। भारत सरकार ने साल 2003 में आमिर को पद्मश्री से नवाजा और फिर 2010 में पद्म भूषण से। साल 2013 में टाइम मैगजीन ने आमिर को फीचर किया था दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में। साल 2017 में आमिर खान को गवर्नमेंट ऑफ चाइना से नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। नंबर 4 पर है अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी एक्टर तो है ही, इसके साथ ये फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और फॉर्मर पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन को अब तक का दी मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एक्टर इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है। वो इसलिए इनका करियर स्पैन 5 दशकों से भी ज्यादा का है और अब तक इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्में की है। अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआत ईयर 1969 से हुई फिल्मों में एज अ वॉइस नरेटर। दरअसल वो दौर रोमांटिक हीरोज का हुआ करता था, तब लव स्टोरीज वाली फिल्में ज्यादा चला करती थी। फिर अर्ली 70s में अमिताभ बच्चन को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। आनंद, जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार और शोले जैसी फिल्मों से अमिताभ ने अपने एंग्री लुक और अपनी गजब की डायलॉग डिलीवरी से लोगों को अपना कायल बना लिया था। फिर इसके बाद बच्चन साहब की एक से एक फिल्में आई, जैसे अमर अकबर एंथोनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, कूली। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा झंडा गाड़ा के अमिताभ बच्चन उस बुलंदी पर पहुंच गए थे जहां उनकी बराबरी में दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे आज के वक्त में हमारे सामने शाहरुख, सलमान, आमिर है, दी मेगा स्टार्स, और हम इन्हें कंपेयर भी करते हैं। लेकिन जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के पीक में थे 70s 80s के दशक में, वो अकेले मेगा स्टार थे और इनकम्पेरेबल थे। कोई भी दूसरा हीरो या एक्टर उनके बराबर नहीं था। आज के काफी सारे यंगस्टर्स जो होंगे, हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो, वो अमिताभ बच्चन को जानते तो होंगे ही, लेकिन वो कितने बड़े मेगा स्टार थे इसका अंदाजा उन्हें नहीं होगा। आप जब अपने पिताजी या दादाजी से पूछोगे तब पता चलेगा अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। साउथ एशियन डायस्पोरा में तो अमिताभ बच्चन फेमस है ही, इसके अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, स्पेशली यूएई और इजिप्ट, यूके, रशिया, सेंट्रल एशिया, दी कैरिबियन, ओशिएनिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनके फैन है। अमिताभ बच्चन के नाम 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में और 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स है। भारत सरकार की तरफ से 1984 में अमित जी को पद्मश्री से नवाजा गया, फिर 2001 में पद्म भूषण से। साल 2007 में फ्रांस गवर्नमेंट ने फ्रांस देश के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर अवार्ड से बच्चन साहब को सम्मानित किया, द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से। फिर 2015 में अमित जी को पद्म विभूषण मिला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। साल 2003 में टाइम मैगजीन ने अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा था। ऐसे ही कई सारे ऑनर्स और अवार्ड्स अमित जी के नाम है। अमिताभ बच्चन के फेमस होने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है उनका आइकॉनिक पर्सोना। नंबर 3 पर है विराट कोहली। दुनिया भर में किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली खेल जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। विराट कोहली जितना बड़ा स्पोर्ट्स फिगर आज के वक्त में पूरे भारत में, छोड़िए पूरे एशिया में कोई नहीं है। सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड में ग्लोबली अगर इंस्टाग्राम फॉलोइंग की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायोनल मेस्सी के बाद विराट कोहली ही आते हैं। ही इज द मोस्ट फॉलोड एशियन ऑन इंस्टाग्राम विथ ओवर 260+ मिलियन फॉलोअर्स। तो विराट कोहली ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 18 अगस्त 2008 में किया था श्रीलंका के अगेंस्ट। उस मैच में सचिन और सहवाग दोनों ओपनर्स इंजर्ड थे, इसलिए कोहली को मौका मिला था। लेकिन वो मैच इतना खास नहीं रहा, विराट ने सिर्फ 12 रन ही बनाए थे अपने डेब्यू मैच में। लेकिन तब विराट के इस डेब्यू मैच को देखकर किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ये बंदा क्रिकेट इतिहास का इतना बड़ा आइकॉनिक प्लेयर बनेगा और ये गेम डोमिनेट करेगा। अगर सचिन तेंदुलकर के मेजर रिकॉर्ड्स को कोई ब्रेक कर सकता है तो विराट कोहली ही है, बाकी दुनिया के किसी भी दूसरे खिलाड़ी के वश का नहीं है। विराट कोहली 2014 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं और 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने कोहली को दी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का टाइटल दिया। कोहली को 2013 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया।
फिर 2017 में पद्मश्री से और 2018 में भारत का सबसे ऊंचा स्पोर्टिंग ऑनर खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2016 में ESPN.com ने कोहली को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एथलीट कहा था और उसी साल फोर्ब्स ने भी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एथलीट्स ब्रांड्स का टाइटल दिया। फिर 2018 में टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में कोहली को शामिल किया। कोहली फिलेंथ्रोपिक वर्क भी करते हैं। विराट कोहली फाउंडेशन कई सारे एनजीओस के साथ कोलैबोरेट करता है और कई सारे अनप्रिविलेज्ड यंग एथलीट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं विराट कोहली इतने फेमस क्यों है। एक तो उनका एक्सेप्शनल क्रिकेटिंग टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनल करिश्मा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स, डिसिप्लिन और ज़्यादातर लोग उनके फैंस हैं उनके फिटनेस की वजह से। नंबर टू पर है नरेंद्र मोदी। भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेताओं में से एक है। मोदी जी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी का मेन रीजन उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, उनकी जो एबिलिटी है फॉर्मुलेट करके पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने की क्रिटिकल इश्यूज पर, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर, वो गजब की है। मोदी जी के कुछ इनिशिएटिव्स है जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और क्लीन इंडिया, इससे इनका स्ट्रेटेजिक विजन रिफ्लेक्ट होता है जो एक प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल इंडिया बनाने के लिए ज़रूरी है। तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर 1985 में शुरू हुआ था। बहुत छोटी पोजीशन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी शुरुआत की। मेहनत लगन से काम करते रहने पर उनकी पोजीशन पार्टी में बढ़ती गई। इस तरह 2001 तक वो जनरल सेक्रेटरी के रैंक तक पहुँच गए। फिर 2001 में उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात अपॉइंट किया गया और फिर जल्द ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हो गए। 2001 से 2014 तक मोदी जी ने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सर्व किया। फिर 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन में बीजेपी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी से जीती और नरेंद्र मोदी मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। उसके बाद 2019 के इलेक्शंस में भी बीजेपी फिर से पार्लियामेंट्री मेजोरिटी से जीती, मोदी जी वापस से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। अपने 10 साल के टेनोर में मोदी जी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कई बड़े बड़े डिसीजंस लिए, जैसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, बिजनेस करना इजी बना दिया जिससे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हुई, और हाई प्रोफाइल सैनिटेशन कैंपिंग कंट्री वाइड शुरू कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन। इसके अलावा कई कंट्रोवर्शियल और बोल्ड डिसीजंस भी लिए, जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन करना, GST इंट्रोड्यूस करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या आर्टिकल 370 को हटाना, और भी काफ़ी सारे हैं। G20 समिट इंडिया में होने की वजह से मोदी जी की ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं आखिर मोदी जी फेमस क्यों है। अब ये तो बात है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है और दुनिया के टॉप पावरफुल देशों में से एक है। जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इंडिया का फेस होगा। लेकिन इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिप्लोमेटिक आउटरीच, एबिलिटी टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा और इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी, ये सारी क्वालिटीज मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर बनाती है। नंबर वन पर है शाहरुख खान। किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज में से एक है। दोस्तों एक बात बता दूं, ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी लग रहा था कि मोदी जी ही होंगे मोस्ट फेमस इंडियन इन दी वर्ल्ड, पर रिसर्च करते वक्त पता चला कि शाहरुख खान मोदी जी से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कई देशों के लोग इंडिया को सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि वो शाहरुख खान का देश है। ये बात हमें भारत में रहकर नहीं समझ आएगी। जब कभी आप दूसरे देश जाओगे तब आपको समझ आएगा, या फिर किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो फ्रिक्वेंटली दूसरे देशों में ट्रैवल करता हो। अब बात करते हैं शाहरुख खान इतने बड़े बने कैसे। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। उसके बाद ईयर 1992 में फिल्म दीवाना से डेब्यू करने के बाद शाहरुख ने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स वाली फिल्में की, जिसे उस वक्त के कई बड़े एक्टर्स ने करने से मना कर दिया था। लेकिन शाहरुख ने अपने एक्टिंग के दम पर उन फिल्मों को हिट करवा दिया, जिससे उन्हें और ज़्यादा बड़ी फिल्में और भी ज़्यादा बड़े बैनर से ऑफर होने लगी। फिर 1995 में उनकी आई मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिससे शाहरुख के ग्लोबल स्टारडम की शुरुआत हुई। इसके बाद शाहरुख ने हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में दी और शाहरुख का करियर स्काई रॉकेट होता गया। इंडिया में तो उनकी पकड़ बनती जा रही थी, लेकिन उनकी ग्लोबल रीच भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। आज शाहरुख जिस मुकाम पर है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है।
यूनाइटेड किंगडम के स्कूल सिलेबस में शाहरुख खान के ऊपर एक पूरा चैप्टर है कि कैसे एक लड़का लोअर मिडिल क्लास से आकर दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बनता है। जर्मनी में शाहरुख खान का क्रेज नेक्स्ट लेवल है। वहाँ लोग हिंदी इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि वो शाहरुख खान की मूवीज देख सके। जर्मन्स SRK को गॉड मानते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, अमिताभ बच्चन जी ने खुद एक ट्वीट करके कहा था। और शाहरुख खान ऐसे पहले और अकेले इंडियन है जिन्हें 2011 में यूनेस्को पिरामिड कौन मारने अवार्ड मिला है फॉर हिज सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, और 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्रिस्टल अवार्ड मिला है फॉर एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस राइट्स इन इंडिया के लिए। शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन है जिन्हें दुबई ने हैप्पीनेस कार्ड से सम्मानित किया है। SRK दुबई टूरिज्म के एम्बेसडर है और दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और उनकी फैमिली के अलावा सिर्फ SRK ही है जो दुबई के किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में फ्री में खा सकते हैं या रह सकते हैं। शाहरुख खान के नाम 14 फिल्मफेयर अवार्ड्स है जिसमें से 8 अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर है। 2015 में भारत सरकार ने SRK को पद्मश्री से नवाजा। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने 2007 में शाहरुख को 2 बड़े ऑनर से सम्मानित किया, द फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर और दूसरा अवार्ड आप खुद पढ़ लो। फिर 2014 में फ्रांस गवर्नमेंट ने SRK को द शेवेलियर लीजियन डी ऑनियोर से सम्मानित किया। शाहरुख खान वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन है जिन्हें अभी तक 260 प्लस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SRK को अब तक दुनिया भर से 5 ऑनररी डॉक्टरेट्स मिल चुके हैं। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर इंग्लैंड से, 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, 2016 में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद इंडिया से, 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम से और लातरोब यूनिवर्सिटी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। टाइम मैगजीन हर साल SRK को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में रखता ही है। 2008 में न्यूज़वीक ने SRK को वन ऑफ द 50 मोस्ट पावरफुल पीपल ग्लोबली कहा था और न्यूज़वीक ने ही सबसे पहले शाहरुख खान को द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार का टाइटल दिया। उसके बाद फोर्ब्स, BBC, CNN, लॉस एंजलिस टाइम्स और कई सारे दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 3.2 बिलियन लोग शाहरुख खान को जानते हैं, जो टॉम क्रूज से भी बड़ा नंबर है। टॉम क्रूज को 2.8 बिलियन लोग जानते हैं। SRK ने जितनी शोहरत कमाई है उतनी दौलत भी कमाई है। 2014 में SRK वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट एक्टर बने थे, अभी फोर्थ रिचेस्ट एक्टर है 800 मिलियन US डॉलर्स की नेटवर्क के साथ। अब बात करते हैं शाहरुख खान पूरी दुनिया में इतने फेमस क्यों है। एक तो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग टैलेंट और गजब की मैग्नेटिक पर्सनालिटी है उनकी, और उनका रिलेंटलेस डेडिकेशन अपने काम के लिए जिससे इतना कुछ अचीव हो पाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे भारत के इन वर्ल्ड फेमस लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।